प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुराल पर बड़ी कार्यवाही की है। पीडीए ने वक्फ बोर्ड की जमीन को हथिया कर बनाए गए करोड़ों के मकान को आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। चार सौ वर्ग गज में बना ये आलीशान मकान कानपुर हाईवे से सटा हुआ है, इसलिए इसकी कीमत भी करोड़ों में है। वक्फ बोर्ड की इस जमीन को अशरफ के ससुराल वालों ने कागजों में हेरफेर करके अपने नाम करा लिया था। इस प्रॉपर्टी पर अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाई फैजी का कब्जा था। जैनब और उसके भाइयों पर पहले ही वक्फ बोर्ड के केयर टेकर ने मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके बाद राजस्व विभाग ने जाँच की तो पता चला की सलाहपुर में अशरफ के साले और जैनब ने वक्फ की जमीन पर खुद कब्जा करके दुकान बनवा कर बेच दी और काफी जमीनों पर अपने लिए कोठी बनवा ली। वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए प्रशासन से मांग की तो पीडीए का एक्शन शुरू हो गया। आज सलाहपुर में जैनब और उसके भाई द्वारा कब्जा की गई वक्फ की संपत्ति पर बने घर को तीन बुलडोजर चलवा कर ध्वस्त किया। 400 गज में बने इस मकान की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। आज इस मकान को ध्वस्त करने के बाद सोमवार को जैनब की आलिशान कोठी पर भी बुलडोजर चलेगा, जो सबसे महंगी है। अवैध निर्माण इन्होंने वक्फ की जमीन पर किया हुआ था और इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और इनको अपने वैधानिकता प्रस्तुत करने के लिए और नशे साबित करने के लिए मौका दिया गया, सुनवाई का अवसर दिया गया, परंतु ये निर्धारित अवधि में अपनी सुनवाई में साबित नहीं कर पाए, न तो मकान की वैधानिकता प्रस्तुत कर पाए और न ही ओनरशिप दे पाए। तो ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था, उसी ध्वस्तीकरण आदेश के तहत ही आज कार्रवाई हो रही है। कितने बाई एरिया में है ये मकान? ये लगभग 30x70 के माप में है और जो 2 मंजिला G+1 का निर्माण है और निर्माण अभी चल ही रहा था क्योंकि मकान सील कर दिया गया था। अभी अंदर से आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी बना दिया गया है, बट नीचे पिलर जो है अंदर आप जाके देखेंगे तो पिलर भी अभी लगने बाकी है, मतलब वो उठे हुए हैं। सर अभी ऐसी कितनी और संपत्ति जिस पर इस तरह से अवैध कब्जा किया गया है? सर अभी पूरा रिकॉर्ड तो नहीं मालूम, मैं अभी प्राधिकरण में नया आया हूँ ट्रांसफर होकर के, तो चूंकि हमारे सामने ये फाइल आई थी और ये डिमोलिशन का ये है। ये कह सकते हैं ना कि ये जो मकान बना है ये वक्फ की जमीन है क्या? वक्फ की जमीन पे है, क्योंकि साबित उन्हें करना है, उन्हें अवसर दिया गया, वो साबित नहीं कर पाए। ये वक्फ की जमीन पे निर्माण है, ओनरशिप उन्होंने अपनी साबित नहीं कर पाया। नहीं निकलना पड़ा भेजा था, लेकिन जेब में भेजा और ये बंद हो गया।